नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में गोली मारकर एक 36 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मारी गई है। परिवार वालों का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मारी गई है। परिवार में मातम छा गया है। मृतक सुरेश के बड़े भाई की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। हमें पता नहीं हत्या हुई है, गोली मारी है। अच्छा, आप मरा? अच्छा, हमें तो एक पड़ोसी सब्जी वाला 4 बजे जाता है, उसने बताया। क्या बताया? कि भाई देख रहे हैं तुम्हारा भाई तो नहीं है। फिर हमारे घर के परिवार सब पहुँचा है, फिर हम पता लगा है 36 साल गोली लगी थी यहाँ से। अरे यहाँ कपड़ा क्या? पुलिस आई है मौके पर? अब पुलिस आई, पुलिस की ओर से पुलिस ने कार्रवाई करी, अपने फोटो खींच के फिर उसको लेके गए भी की। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि मृतक युवक का नाम सुरेश है, जिसकी IMT सेक्टर में परचून की दुकान थी। सुरेश और उसका भाई बीती रात बात करके घर में बने कमरे में सो गए, लेकिन सुबह सुरेश का शव मुझेड़ी रोड पर मिला। सूचना पाकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए BK सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक सुरेश के बड़े भाई की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। ये सुरेश मुजेड़ी गांव का रहने वाला है। इसने अपनी एक दुकान खोली हुई है IMT सेक्टर 69 में, चाय की दुकान है। अपने भाई राम सिंह के साथ चाय की दुकान चलाता है। कल रात दोनों भाई करीब 11:30 तक बात करते रहे, और उसमें जो घर के बाहर वाला जो कमरा होता है उसमें दोनों भाई सोए थे। आज सुबह करीब 5:15 के आसपास इनको पता लगा कि सुरेश जो मुझेड़ी से नवादा वाला जो रोड है वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर SHO सदर और ACP तिगांव सुरेंद्र सोरान, DCP क्राइम, DCP बल्लभगढ़ ये मौके पे पहुँचे हैं। साथ ही घटनास्थल पर क्राइम ब्रांच की टीमें CIA DLF, CIA 65 और ऊंचा गांव भी वहाँ पे पहुँचे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया है उच्च अधिकारियों ने और CIA टीम ने, और वहाँ से डेड बॉडी को BK हॉस्पिटल रखा दिया है पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में। जो इनका जो बड़ा भाई है राम सिंह, उनकी शिकायत पर हत्या की धाराओं के तहत अननोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने बताया कि उनकी किसी से अभी दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं पता लगा कि किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी है, लेकिन पुलिस इसमें हर एंगल से जाँच कर रही है। और CCTV फुटेज और जो अन्य जो लोगों की जो इससे पूछताछ हुए अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से आरोपियों तक जल्द पहुंचेगी, आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।